मॉर्निंग गाइस, आज मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपनी थार में कौन कौन सी एसेसरीज लगा रखी हैं। और इतनी मस्त मस्त एसेसरीज है ना, आप देख के कहेंगे वाकई यार बहुत अच्छी लगा रखी हैं। आपको दिखाता हूँ। पहला तो मैंने ये देखिए, मेरा ये रूफ टॉप, मेरा पूरा सिस्टम ये मैंने खुद बनाया है, रस्सी लगा के। यहाँ मेरा टेंट है, मेरा स्लीपिंग बैग है, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरे स्नो शूज़ हैं, एमरजेंसी लाइट्स हैं, रोप्स हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। और दिखाता हूँ, ये अमेजोन एलेक्सा आती है, वो मैंने लगा रखी है अपनी थार में। ये थोड़ी सी छोटी छोटी भगवान जी की, और ये थोड़ी ऐसी लगा रखी हैं। ये मेरी बिटिया ने, जैसा जब वो छोटी सी थी, लव यू पापा, ये रखा हुआ मैंने। ये मैंने कैंट आई का मैंने डैश कैम लगा रखा है, जो फ्रंट भी और रियर भी दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। एक भी ट्विटर लगा रखे हैं मैंने, एक इसमें एम्प लगा हुआ है, और इसके अंदर एक सब वूफर लगा हुआ है। ये मैंने पूरी अपनी जो सीट कराई थी अपोस्ट्री, ये मैंने एक दोस्त से कराई थी, सलीम उनका नाम है, बहुत अच्छी बनाते हैं वो, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इट साइड से मैंने थोड़े से सामान रखने का सामान लगवा रखा है। और मेरी ये सॉफ्ट टॉप है, इससे जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने ये बना दिया यहाँ पर, बहुत अच्छा। इसमें कैमराज भी रखे हैं मेरे, बहुत चीज़ें इसमें अंदर आ गई हैं, और पीछे बैठने वालों को परेशानी भी नहीं होती है, आराम से। ये देखिए पूरा हेड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखाता हूँ मैंने बाहर क्या क्या लगवा रखा है। अब ये देखिए, फर्स्ट चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इसमें विंच लगवा रखा है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये करीबन 3 टन वजन खींच सकता है। ये जो इसका बंपर है, ये भी आज़ाद 4x4 से लगवाया हुआ है। ये हालांकि राइट मैंने क्लासिक मोटर नोएडा से लगवाई थी। ये ग्रिल चेंज है, ये चेंज है, ये लाइट चेंज है, ये लाइट चेंज है, और ये चेंज है। ये महिंद्रा की सीरीज है, ये सीरीज है, ये भी एक हिस्सा है सीरीज का, ये एसरीज है, ये भी एसरीज है, और ये स्टिकिंग की हुई है थोड़ी सी। ये मैंने स्नो चेंज मंगवाई है, अभी रखी हुई है पीछे, इसका सब ऊपर रखा हुआ है। ये इसमें टू स्टेप ये थोड़े से कुकिंग के लिए बर्तन रखे हुए हैं। ये मेरी चेयर्स रखी हुई हैं, फोल्डिंग चेयर्स। ये मेरे शूज रखे हुए हैं स्पीति के लिए, और ये मेरा ऊपर का सारा जो भी दिखाया था मैंने आपको रखा हुआ। इसमें मेरा टेंट है, बहुत कुछ है। ये मैंने ट्रेल को रखी है इसमें, जो महिंद्रा ने, ये देखिए ये तो खुल जाती है। अपना यहाँ पे निकालो स्टोव, और कुछ बनाओ, स्टोव भी रखा हुआ मेरे पास, गैस सिलेंडर्स भी हैं, सब कुछ रखा हुआ है। और इसके अंदर जो रखा है, उसके बाद जो रखा हुआ, शॉवल रखा हुआ है, कुल्हाड़ी रखी हुई है, नाइफ रखे हुए हैं, बर्तन और रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, एवरीथिंग। ये ग्रैब हैंडल्स एक्सेसरीज का हिस्सा हैं, और वो भी लगा हुआ है एक। बाकी देखिए क्या लुक आ रही गाड़ी की, ऐसा लगता है कि अभी बस निकलूँ और सीधा पहाड़ों पहुँच जाऊँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक हर चीज़ है मेरी गाड़ी के अंदर, जो भी आपको खाने पीने का रहने का आइटम चाहिए। ओ सॉरी, हाँ बताना भूल गया, ये एक छोटा सा इन्वर्टर है, जो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो इसको खोलो और यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। 220 वोल्ट्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे बहुत काम आती है। इसके जो मेरा टोटल खर्चा आया था करीबन 84,000 की मैं एसएसडी लगवाई थी महिंद्रा से। उसके बाद हम गए थे आजाद 4x4 पे, तो वहाँ हमने लगवाया था बम्पर और लाइट्स, और बम्पर लाइट और ग्रिल, तो 84,000 मैंने वो दिए थे एक बार, और ये ग्रैब हैंडल के साथ। उसके बाद हम दोबारा गए थे, तो हमने विंच लगवाया था, 32,000 उसका खर्चा आया था टोटल विद प्लेट। ये सीट कवर्स लगे थे मेरे, ये करीब लगे थे 55,000 के आसपास, सब कुछ मिला के। और ये जो मैंने लिया था, ये आपका हैंडरेस्ट, और ये पीछे वाला, पीछे वाले दोनों, ये मिला मैंने आजाद से मंगाए थे ऑनलाइन, ये आए थे मेरे करीबन 30,000 रुपये के आसपास। और ये तो है ही, बाकी मेरा जो सामान ऐसे जो मैंने मंगाया, ये अलग से जो मैंने परचेज की चुटपुट, और टोटल एक 3.5 लाख के आसपास सारा खर्चा हुआ। और लेकिन अब चलने में गाड़ी ऑसम आ गई है। हाँ, स्नो चेंस भी आई हैं, स्नो चेंस आई हैं मेरी करीबन 2400 का एक चेन है, तो 9600 की हमने 4 मंगाई हैं, वो भी आई हैं। लेकिन गाड़ी मतलब ऐसी हो गई, आप कहीं भी ले जाओ इसको, इसमें टो स्ट्रैप भी है, विंच भी है इसमें, इसमें सब कुछ है। अब दिक्कत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी निकल जाओ जम से थे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैंने बता दी मेरी थार में क्या क्या था, और क्या क्या है, और आगे क्या क्या लगेगा पता नहीं है, लेकिन लगवाऊंगा ज़रूर।
थैंक यू सो मच।